हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ नम्रता। साउथ की मोस्ट अवेटेड फिल्म ट्रिपल आर को लेकर दर्शकों में काफी ज्यादा क्रेज बना हुआ है। रामचरण, जूनियर एनटीआर, अजय देवगन और आलिया भट्ट की इस फिल्म का इंतजार कर पाना अब फैंस के लिए भारी होता जा रहा है। फिल्म को लेकर इतना जबरदस्त क्रेज है कि फैंस फिल्म से जुड़ी पल पल की खबर पर नजर रखते हैं। इसी बीच फिल्म को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आई है। सुनने में आ रहा है कि इस फिल्म के हिंदी थिएट्रिकल राइट्स की डील 140 करोड़ रुपए में फाइनल हुई है। इस फिल्म के राइट्स जयंती लाल गडा के पैन स्टूडियो ने हासिल किए हैं। इस रकम को मिलाकर फिल्म ने रिलीज से पहले ही 900 करोड़ रुपए अपने खाते में जोड़ लिए हैं, जो भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे बड़ी रकम है। इसी के साथ फिल्म ट्रिपल आर ने थिएटर्स पर तहलका मचाने की पूरी तैयारियां कर ली हैं। एक लीडिंग वेबसाइट की रिपोर्ट की माने तो फिल्म के वर्ल्ड वाइड थिएट्रिकल राइट्स 570 करोड़ रुपए में बिके हैं, जिसमें आंध्र प्रदेश के डिस्ट्रीब्यूटर्स ने सबसे बड़ी रकम 170 करोड़ रुपए दी है, जबकि हिंदी राइट्स से 140 करोड़ रुपए, निजाम से 75 करोड़, कर्नाटक से 45 करोड़, केरल से 15 करोड़ और ओवरसीज रिलीज के लिए 70 करोड़ रुपए में राइट्स बेचे गए हैं। इसके अलावा फिल्म के डिजिटल राइट्स सभी भाषाओं को 170 करोड़ रुपए में बेचे गए हैं। सैटेलाइट राइट्स 130 करोड़ में बिके हैं। म्यूजिक राइट्स को 20 करोड़ में बेचा गया है। इस हिसाब से फिल्म ने रिलीज से पहले ही अब तक 900 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म डायरेक्टर एसएस राजामौली के इस फिल्म का कुल बजट करीब 400 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। फिल्म मेकर्स को उम्मीद है कि यह फिल्म करीब 500 करोड़ रुपए का कारोबार कर सकती है। इससे पहले एसएस राजामौली की फिल्म बाहुबली द कंक्लूजन ने रिलीज से पहले ही 500 करोड़ रुपए का कारोबार कर लिया था, जो उस वक्त बहुत बड़ी बात थी। और अब एसएस राजामौली ने ट्रिपल आर के जरिए एक नया इतिहास रच दिया है। बताते चले, इस फिल्म से रामचरण, जूनियर एनटीआर, अजय देवगन और आलिया भट्ट सभी के लुक को रिवील कर दिया गया है। ये फिल्म इस साल 13 अक्टूबर को थिएटर्स में दस्तक देने वाली है, जिसका मुकाबला अजय देवगन की फिल्म मैदान से होने वाला है। ऐसे आप राजामौली के ट्रिपल आर को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।